हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल यानी कि अपने चैनल, हमारे परिवार का जो चैनल है, हमारा मतलब कि हम लोग एक परिवार है, आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव ऐप पर फिर एक बार वेलकम। दोस्तों, आज की एक ऐसी ही वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आरआरबी ग्रुप डी। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी 22 सितंबर 2018 में जीएस जनरल साइंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट सेकेंड की शिफ्ट के। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ जो हमारी चल रही है, हर एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखी है, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में हम आपके साथ डटकर आपके लिए आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुकाम, बड़ा मुकाम हासिल कर सकें और बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल कर सकें। गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते इतनी देर देर से कि स्टूडेंट बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, बट हमें टूटना नहीं है। हमें अपने जज्बे को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपनी प्लानिंग्स को एक मोटिवेशन के साथ में आगे लेकर चलना है और कहना है कुछ से, यू कैन गेट दैट, बट विथ कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स योर गोल यू शुड हैव, ओके। एंड फाइनली वन डे यू विल बी सर्चिंग योर रिजल्ट एंड रिजल्ट विल डिक्लेयर एंड यू विल गेट that you have selected, and that happiness I can't express in words, because उस दिन आपके parents, आपके भाई बहन सब बहुत खुश होंगे आपसे, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी और उसके बाद में आप जो भी अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, एक्टर, सिंगिंग, सबको कंटिन्यू कीजिए और साथ साथ भी कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कंसिस्टेंसी बना के रखे, मोटिवेट रहे। और आज की हम 25 क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी 22 सितंबर 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके शेयर करेंगे और देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप इन क्वेश्चनों के क्रक्स को पास ढूंढ सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, क्योंकि 80 से अबव स्कोर तो करना ही होगा हर हाल में। बट आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपके साथ एक ऐसी ही कुछ क्वोट्स जो वेरी वेरी हम आपकी इंस्पिरेशन के लिए लाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में मदद करने ही वाले हैं। आई होप डैट यू विल लाइक दिस क्वोट्स एंड स्टे मोटिवेटेड विद अस। चलिए शुरू करते हैं ये क्वोट्स आपके लिए फर्स्ट, ताकि ये हम क्वोट्स और ये इतनी मोटिवेशन स्टार्टिंग में इसीलिए देते हैं ताकि आप मोटिवेट रहें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभार वो पल आएगा जब आप दुखी हो जाएंगे, आप डेस्परेट हो जाएंगे, आप कभी कभार हैप्पी होंगे, कभी कभार आप एंजॉय के मूड में होंगे, तो आपके मूड चेंज, एटीट्यूड चेंज होता रहेगा। परिस्थितियाँ जैसे जैसे आएंगी वैसी आपको उस हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा आपको, लेकिन बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आंधी हो, तूफान हो, ये कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। मैटर करता है हाउ मच यू अचीव ड्यूरिंग द करेक्ट टाइम, सही टाइम पर सही चीज़ करनी है अपने को, ताकि हमारा ये जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसमें हमारा नाम हो, हमारे लिस्ट में भी नाम हो। तो टारगेट लेके चलना है, 85 से अबव स्कोर करना ही करना है, पाना ही पाना है। चलिए, सो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए पेश है। ऑलवेज लिसन बिफोर यू स्पीक, लर्न टू अर्न बिफोर यू स्पेंड, थिंक बिफोर यू राइट, ट्राई एंड ट्राई बिफोर यू क्विट एंड क्राई, लिव योर ड्रीम लाइफ बिफोर यू डाई, बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ एंड वी हैव टू एंजॉय दिस लाइफ एज वेल। दोस्तों, अगेन वेलकम आपका अपने कॉम्पिटेटिव चैनल, कॉम्पिटेटिव हेल्प चैनल पर, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट मी ओपन फर्स्ट द मार्कर सो दैट आई कैन इलस्ट्रेट द क्वेश्चंस मच मोर बेटर, ओके। सो हमारा ये तो हम बता ही चुके हैं, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपके साथ में। तो पहला क्वेश्चन अपना कि एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू डैश लॉन्ग, एक जो हमारी एक नर्व, एक सिर्फ एक इंडिविजुअल मतलब एक नर्व सेल की बात हो रही है, वो कितनी लंबी हो सकती है। तो देखो, उसकी लेंथ पूछी थी, नर्व सेल जो होती है वो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर, जी हाँ 100 सेंटीमीटर। डैश द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल, हमने आपको पीरियड टेबल करवाई,
जब ही अगर आप हमारी जीएस की सीरीज़ को जाकर देखेंगे तो हमने क्यों कराई आपको, क्योंकि वो इसलिए कराना जो होता है, ये डे नंबर 3 क्लास रखेंगे हम क्वेश्चन पेपर्स की। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पीरियडिक एलिमेंट्स को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देखिए ताकि आप समझ सके कि रेलवे क्या किस तरीके से पूछता है क्वेश्चंस को। ओके, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बेसिकली सिक्स्थ पीरियड में प्रेजेंट है आपका, मॉडर्न पीरियड टेबल के सिक्स पीरियड में, इनमें से कौन सा एलिमेंट है सिक्स पीरियड में जो प्रेजेंट है। ओके, तो 18 नंबर का या 33 नंबर का या 8 नंबर का, तो भाई 32 नंबर का जो एलिमेंट है वो आपका क्या है बताइए, किस क्या है वो आपका, जी हाँ वो आपका आपके सिक्स्थ पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, रेलवे देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके गेटिंग ना, कैसा आया ये तो देखो भाई कैसा आया, कोई बताना चाहेगा कैसा आया ये बताइए, कौन बताएगा भाई। देखो 18 होते हैं अपने पास ग्रुप, 14 होते हैं अपने पास, 14 अपने पास क्या होती है लेंथनाइट सीरीज होती है। ठीक है, कुछ हमें जो वही लग रहा था, ठीक है इस क्वेश्चन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई समझने में। इसमें पता है क्या बताया गया आपको, इसमें बताया गया है तो हमसे ये नहीं पूछा गया कि ये सिक्स पीरियड पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, नहीं हमसे पूछा गया है कि डैश एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिक्स पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में सिक्स पीरियड में जो सिक्स पीरियड है मॉडर्न पीरियड टेबल का जो सिक्स पीरियड है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो सिक्स पीरियड में टोटल कितने, भाई टोटल हमारे पता है 18 ग्रुप्स होते हैं, तो 18 तो ग्रुप्स हो गए, मतलब हम देखें तो हमारा सिक्स पीरियड है उसमें 18 ग्रुप्स जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। पीरियड में हम पीरियड क्या होता है, पीरियड हमेशा हमारे हॉरिजॉन्टली होते हैं, पीरियड क्या होते हैं हमारे हमेशा हॉरिजॉन्टली होते हैं, तो हॉरिजॉन्टली हम सीधे लाइन लेके जाएंगे तो 18 ग्रुप आ जाएंगे, 18 ग्रुप वो प्लस 14 हमारे उसमें लेंथनाइड आपके क्या होते हैं, 14 आपके एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, 14 आपके एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट हो गए, तो एक्टिनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो हम 14 प्लस 18 करेंगे, 8 4 12, ऊपर बचा कैरी 1, तो 3 हो गए, 32 एलिमेंट होते हैं सिक्स पीरियड में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले एलिमेंट में 2 और दूसरे एलिमेंट में आपके 8, तीसरे एलिमेंट में भी आपके 8, चौथे एलिमेंट में आपके 18, पांचवे एलिमेंट में अभी आपके 18 और जो लास्ट के बचे 32 32। ओके, 7 8 में 2 8 8 18 18 32 32, इस तरीके से याद रखना, मतलब कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं 2, दूसरे पीरियड में कितने होते हैं 8, तीसरे पीरियड में कितने होते हैं 8, चौथे में कितना होता है 18, पांचवे में कितना होता है 18, छठे में कितना। ठीक है, ये देखो पहला पीरियड हो गया ये 2, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, अभी एक रह गया यानी कि हमारा 2 8 8, यहाँ पे कितनी आती है अपनी ये देखना पड़ेगा, देख लेंगे। ठीक है, हम 2 8 8 18 18 32 और 32, 2 1 2 3 4 5 6 7 7 बन रहे हैं, एक कहीं ना कहीं अभी हम गलत कर रहे हैं कुछ, तो देख लेना ये होते हैं अपने, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ही लेकर आऊँगा कि हमारे हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 बार आएगा 8 8। ठीक है, ओके, नहीं, तो यहाँ पे हमारा 18 3 बार आएगा। ठीक है, देख लेना 18 आया 3 बार। ठीक है, चलते ये मैं क्लियर जो करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में कि कितने मतलब पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं हर एक पीरियड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, इनमें से कौन सा एक सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। ओके दोस्तों, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ने कैसे गलत कर दिया, यानी कि सर, भाई सर भी तो इंसान ही है। ठीक है, जो सर है सर भी तो इंसान ही है, उनसे वो भी तो भूल सकते हैं, ये सब चीज़ थ्योरेटिकल है, भूल जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो समझदार होंगे वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा हो जाता है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ और हम सब भूल सकते हैं चीज़ों को यार, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, इनमें से कौन सा सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। हमें पता है सब्लिमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस कोई भी जो डायरेक्ट या तो सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए। तो हमारा कौन सा इनमें एक सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है आपका, सोडियम सल्फेट एक सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। कैम्फर कपूर होता है हमारा सब्लिमेबल
नेपथेलिन भी होता है जो हम फ्रेगरेंस के लिए डालते हैं, ठीक है, बाथरूम्स में, अलमीराज में, वार्डरोब्स में, ठीक है, कैम्फर जो कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड जो हो गया अपना, अमोनियम क्लोराइड भी है अपना, ओके, एंड अमोनियम क्लोराइड मतलब अपना सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, इसको शायद NH4Cl कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें याद देखना है कि इनमें से कौन सा सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में नहीं आता, ना तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता, वो सब्लिमेबल होते हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 अपना क्या है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जा रही है, देख रहे होगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑफ 800 किलो फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इज, आपसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे क्या लगाओगे वर्क डन का फॉर्मूला। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे इस तरीके से, अब आप पेपर में कैसे करते हैं इसको भाई, अगर आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्क डन के फॉर्मूले कैसे वेराई करते हैं, यहाँ पे आपको यू भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, ठीक है, यू आपको 5 दे रखा है, कि लिखा है कि बताओ भाई कितना काम किया जाएगा कार के द्वारा, ठीक है, टू वर्क डन टू इंक्रीज दी, कितना काम किया गया टू इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑफ 800 किलो, एक कार है जिसकी जिसका मास तो हमें दे रखा है मतलब कि कितना 800 किलो, और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करते थे 5, मतलब वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं, लेकिन स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो जो हमारी वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये टर्म्स होती है, अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक तो पढ़ लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, और मैं मान के चलता हूँ कि सबको ही पता होगा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, सब 9th-10th कर कर आते हैं, और कि अब हमारा यहाँ पर मोटिव आपका ये है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को कराना और बेस्ट से बेस्ट वे में कराना। अगर मैं आपको वो प्रीवियस मतलब कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये समझाऊंगा तो वो तो क्लास हो जाएगी, समझ लो। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, आप लोगों ने 9th में खोल सकते हैं 9th की बुक या 10th की बुक में दे रखा है, 9th की बुक में दे रखा है शायद, है ना। तो वर्क डन बराबर होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों वेलोसिटीज रखी है, जब दो वेलोसिटीज और एक मास से रखा हो और ये बोले कि आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, तो आपका वर्क डन ऐसे ही निकाल जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। तो हम लगा देंगे 800 हमारे पास है, वी हमारे पास है 10 और यू हमारे पास है 5, वर्क डन इज इक्वल होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास बताइए, 30 किलो जूल आ जाएगा, 30 किलो जूल, ओके, 30 किलो जूल आ जाएगा। तो यहाँ से आ सकते हो, वर्क डन की जो ऐसा यूनिट होती है वो भी क्या होती है, किलो जूल होती है, इस तरीके से आप आ सकते हो तू, ठीक है। कोई किसी को डाउट बताइए, किसको क्या डाउट है बताओ, डाउट है किसी को, एनीवन हैज एनी डाउट। एक्चुअली हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है ना साथ में, तो मैं किसी से एक सेकंड ना पूछ लूँ, हाँ जी आपका क्या डाउट है, अच्छा ये यहाँ पर किलो जूल कैसे बराबर हुआ 1000 जूल के, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो अभी क्या करा इन्होंने, ये हमारा आया था 30000 किलो जूल आया था, अच्छा आप ये कह रहे हो, और यहाँ पर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 किलो जूल में क्या है आपका 1000 है, ठीक है। तो आपने 1000 से यहाँ पे क्या कराया है, डिवाइड कर दिया, आप कह रहे हो कि सर 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/1000 किलो जूल के, तो 1000 से डिवाइड करो 30 किलो जूल, सही तो करा है इन्होंने, क्या दिक्कत है यहाँ पे। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है भाई, देखो हमारे पास आंसर आया था 30000 हमारे पास आंसर आया, 30000 हमारे पास आंसर आया, ठीक है। हमारे पास सॉल्व करना है, 75 4 जो हमारे क्या होता है 300 हो गया, 75 × 4 = 300, और तो हमारे 30000 हो गया। इतना आने के बाद में हमने क्या करना है भाई, ये हमारा आंसर आया है किसमें, कौन बताएगा, बताइए कौन बताएगा, जल्दी बताओ, हाँ आप बताओ, नहीं 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 एग्जैक्ट रीज़न दो ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये 30000 जो आ रहा है आपका, ये किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, किलो जूल में आ रहा है, क्योंकि यूनिट्स तो ऊपर आप देख रहे हो, मास है अपना किस में, बताइए मास है किलो में, और ये अपना मीटर पर सेकंड में है, क्यों सही बात कह रहा हूँ ना, अब बताओ कैसे आ रहा है, मतलब किलो मीटर पर सेकंड का तो कहीं रिलेशन बन ही नहीं रहा भैया, बताओ अब, पढ़ गए ना सोच में, पढ़ गए सोच में, हाँ सोच में पढ़ गए।
अब भैया जी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये किलो जूल में ही आएगा, किलो जूल में ही आएगा, किलो जूल में ही आएगा, ठीक है। और 1 किलो जूल में कितने होते हैं, 1000 जूल होते हैं भाई, मतलब ये जूल में आएगा, सॉरी जूल में, क्योंकि देखो यहाँ पे किलो आया और यहाँ पे नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत कर रही है। सही कह रहे हो आप बेटा कि किलो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सर मीटर पर किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, हमारी स्पीड की सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्पीड हो या वेलोसिटी हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम। बहुत अच्छी बात बोली है, हाँ आपने करेक्ट बात पूछी है। 1 सेकंड देना दोस्तों, यहाँ पर किसी का डाउट आ रखा है स्टूडेंट का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा किसके इक्वल होता है, हम देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसकी सेकंड होती है, समझ गया मैं। तो न्यूटन की असाइनमेंट होती है शायद, वॉट भी न्यूटन की असाइनमेंट होती है वो आपकी, न्यूटन की असाइनमेंट आपकी एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है और न्यूटन भी है, ठीक है। मतलब कि अपना फोर्स की असाइनमेंट जो होती है न्यूटन भी होती है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। तो ये अभी चलो मैं बता दूंगा, ये डाउट बन गया ठीक है आपका, ये इसको नोट कर लेते हैं। एक दो डाउट हो गए यहाँ पे, फर्स्ट वन इज की सर यहाँ पर अपना ये यहाँ पे चक्कर के दौरान हमारे हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ये मैं अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। और सेकंड जो हमारा डाउट आया है यहाँ पे कि भाई सर यहाँ पे ये जूल क्यों आ रहा है, ठीक है ये मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिटमस सॉल्यूशन को कौन से मतलब इनमें से किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, हाइड्रेंगिला, जर्मेनियम, जेरियम, पेट्यूनिया और लीचेन। तो लीचेन से निकाला जाता है, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही याद कर लेना आप लोग ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का पार्ट नहीं है, वास डेफरेंस, टेस्टिस, ओवरी, स्क्रोटम। तो दोस्तों ओवरी नहीं है, ओवरी फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सेवन्थ, विच डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ओके तो इनमें से कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, स्विच, बल्ब, फिलामेंट। तो भाई रोप बिलोंग नहीं करता, ये सारे तो एक इसके अंदर बल्ब के अंदर ही पार्ट, बल्ब से रिलेटेड, मतलब कि सारी इलेक्ट्रिकल टर्म से रिलेटेड है, रोप का क्या लेना देने से। तो रोप अपने क्या है, डी, डी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि अपना बी ऑप्शन करूँगा क्योंकि बी का आंसर है डी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पजेस्ड, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या शो करती है आपका, पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या केमिकल एनर्जी को। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी को शो करती है। क्यों भाई, सबने पढ़ा है भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी इक्वल टू होता है MgH, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये तो फॉर्मूलाज है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आप एनर्जी को स्टोर करे जा रहे हो, जैसे आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दबा लिया। अब जैसे ही अगर आप उसे छोड़ दोगे, इतनी तेज़ स्पीड भागेगी उसमें निकल के, तो वो काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाएगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है। अब हमने बायोलॉजी में पढ़ा है भाई सबने ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कि हमारे पास फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ठीक है, और बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ी थी ना हम लोगों ने 9th में, करेक्ट। और अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है आपको, तो आप क्या करिए, डाउट में कमेंट बॉक्स में डाउट को अपने मेंशन कीजिए, ताकि हम उस चीज़ को हाइलाइट कर सके अगेन। तो हमारे 2 डाउट तो हमें पता है, जो हम अगली वीडियो में अभी शो करेंगे आपको, ठीक है, अगली वीडियो अभी लेकर आएंगे आपके लिए। और हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस, अमीबा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, हमने पढ़ा ना अमीबा, अमीबा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, क्योंकि अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूनि सेलुलर है, तो इस पर जो तरीका अपनाता है ये बाइनरी फ्यूजन से ही अपनाता है। बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक हो जाना, ठीक है, लेकिन बाइनरी फ्यूजन में क्या है, सिर्फ वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड होगा, उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर एक अमीबा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे यार ये क्या बन गया, ठीक है मजाक चल रहा है, कि कोई ये अमीबा है मान लो, ठीक है, तो ये अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि एक ये हो गया अपना अमीबा और एक ही हो गया,
दो पेरेंट, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। के तो बाइनरी फिजन इसका एक एग्जांपल है। अकॉर्डिंग 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। अरे ये तो सभी बता सकते हैं भाई, किसने कहा था ये, किसकी किसकी अकॉर्डिंग टू डैश दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो न्यूलैंड ने कहा था या मेंडलीव ने कहा था, ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है, या डॉबिन लॉ ऑफ ट्रायड ने कहा था या न्यूलैंड न्यूटन्स लॉ ने कहा था। तो भाई सबको पता है मेंडलीव ने कहा था, मेंडलीव की डेफिनेशन है ये। मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने कहा था कि जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सभी क्या है, एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर ही होती है। देखा था ना, मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस की बिहाफ पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। लेकिन जो हेनरी मॉसले थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल को डिफाइन किया, उन्होंने किसके बिहाफ पे उसको क्लासिफाइड किया, पीरियड टेबल को, उन्होंने एटॉमिक एटॉमिक उन्होंने क्या करा है बताइए, उन्होंने एटॉमिक मास की बिहाफ पर नहीं, एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर उन्होंने क्या करा है, उनको क्लासिफाइड किया। हेनरी मॉसले, हेनरी मॉसले कौन थे, मॉडर्न पीरियड टेबल जिन्होंने पेश की उसके जिन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल को लोगों के आगे शो किया और क्लासिफाई किया मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को, किसके बिहाफ पर, एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पर, परमाणु संख्याओं के बिहाफ पर, ना कि द्रव्यमान संख्याओं के अकॉर्डिंग। तो जिन्होंने द्रव्यमान संख्या अकॉर्डिंग किया था वो थे मेंडलीव पीरियडिक लॉ वाले, मेंडलीव्स थे, मेंडलीव की पीरियडिक लॉ थी वो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ। तो भाई एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे, लेड नहीं है, जिंक नहीं है, इन चार ऑप्शन में से कौन सबसे ज़्यादा, और एल्यूमिनियम भी तीसरे नंबर का है आई थिंक, ठीक है, अर्थ पर जो सबसे तीसरे मात्रा में, मतलब तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, पहले नंबर पर कोई और है शायद, दूसरे नंबर पर कोई और है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ द अर्थ, तो हमने एल्यूमिनियम पर टिक कर देंगे। देख रहे हो आप रेलवे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसिस। अब देखो इस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए क्या कहेंगे, कौन कहना चाहेगा, आप कुछ कहना चाहते हो कोई, तो यही इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेट रहो, क्वेश्चन धीरे ही चल रहे हैं, आप बोर हो रहे होंगे कि सर हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोगों को एक आदत बन चुकी है कि फिल्में देखने की, टीवी देखने की, और ये सारी चीज़ आदत हो चुकी है। कोशिश करो कि यार, नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो चलते हैं, क्या बोला गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसिस, इसमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। तो अपने पैरेन्काइमा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में क्या आता है भाई, हम किसी भी पत्ती को मोड़ पाते हैं फ्लेक्सिबल, लेकिन टूटती नहीं है, फ्लेक्सिबल होती है वो, क्यों कोलेन्काइमा कैसे, क्योंकि उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेन्काइमा में क्या होता है, जो कोकोनट का हस्क होता है वो किससे बना होता है, स्केलेन्काइमा से बना होता है, स्केलेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, स्केलेन्काइमा के टॉपिक का पार्ट है। पैरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसिस, मतलब कि जो स्पेसिस होंगे स्टोमेटा के वो लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस प्रोवाइड करेगा पैरेन्काइमा। आई होप कि आपको यहाँ तक की सेशन अभी तक समझ में आ रहा है, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा देखिए, पहले बात को सुनो फिर बोलो किसी चीज को। चलिए चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 किलो इज मूविंग विद एन एस्केलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपका 2 किलो का मास है, द्रव्यमान है, वो मूव करता है एक त्वरण के साथ में, जिस जो त्वरण कितना दे रखा है आपको, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस्केलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो एस्केलेशन कहते हैं भाई, वेग का, वेग में आए परिवर्तन को हिंदी वालों के लिए बता देते भैया, वेग में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, जो वेग में आपके परिवर्तन आते हैं, वेग में परिवर्तन आने की दर को, वेग में परिवर्तन आने की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एसलेशन कहते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इट इज, तो कुल जो बल लगेगा इस पर, कितना बल लगेगा भाई, एक ऑब्जेक्ट का मास दे दिया, सपोज तुम सोचो, तुमसे मैंने ऐसे पूछ लिया, तुम अब ऑफिसर बन चुके, तुमसे मैंने पूछा, मैंने आपसे बोला, अरे प्रवीण जी मुझे बताइए कि एक मेरे पे वस्तु है, उसका भार आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको भार, बताइए कौन बताएगा। हाँ देख के बोलो यार, देख के सामने तो क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको भार दे रखा है 2 किलो, इसका एक त्वरण भी दे रखा है, तो अब तुम सोचो क्या फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता है भाई, एफ इज इक्वल टू एम में होता है,
भैया मास भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, तो देख दे रही इस बात की, सीधा लगा दो क्वेश्चन आंसर, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। सही पकड़े हैं, 8 न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं, या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो, या किलोग्राम इस तरीके से लिख लो, या न्यूटन, सारी चीज एक ही है। तो फोर्स की असाइनमेंट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है और न्यूटन भी होती है। हाँ, ये चिड़िया कहाँ से आ गई ये आप लोगों के लिए तो रखी है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको भी ऐसे ही आसमान पे जाना है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। ठीक है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स। अब देखो कितनी बार रेलवे पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, सेकंड लॉ मोशन क्या स्टेट करता है। तो देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि जो एक आपका संवेग होता है, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम के दर में जो परिवर्तन आते हैं एक किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन आने की जो दर होती है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे इसी से तो हमारा वो निकल के आया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तो हमारा एफ इजिकल टू एम ए का फॉर्मूला निकल कर आया था, अगर आप लोगों को पता हो। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि हमारा जो एफ इजिकल टू एम ए आज हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एस्केलेशन, मतलब कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा तो जो हम आपका त्वरण पढ़ रहे हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण जो हम पढ़ रहे हैं, वो किससे निकल के आया था, वो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तो निकल के आया था, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का था, क्या था वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोस्ट रेप्टाइल्स हैव, भाई रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रेलवे पूछता है भाई, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, कौन बताएगा, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, करेक्ट। ऐसे ही हम डेली बढ़ते रहेंगे और आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, और ये सक्सेस इतनी बड़ी होगी आप लोगों के लिए कि मैं बता नहीं सकता, आपके परिवार वाले, आपके, आप उस दिन खुश होंगे कि हाँ मैंने सक्सेस पा ली है, बिकॉज यू आर दी वन हु हैज पावर। इफ यू डोंट हैव पावर, इफ यू डोंट हैव पॉजिटिविटी, देन आई डोंट थिंक दैट यू हैव, यू कैन अचीव योर गोल। सो ऑलवेज बी मोटिवेट, हर दिन अपने आप में आग लगाओ, अपने अपने अंदर आग, इन सेंस अपने अंदर आग जगाओ, वो चाहत, वो कुछ पाने की चाहत आपके मन में होनी चाहिए। अगर आपके मन में वो चाहत नहीं है तो आप अनबिलीवेबल, आप भरोसा नहीं करेंगे कि आप उस सक्सेस को नहीं पा सकते। सो बी मोटिवेट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बी कंसिस्टेंट। इसीलिए मैं टाइम टाइम बीच में बोलता रहता हूं, क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थी सो जाते होंगे, इतनी बोरिंग क्लास कैसे कोई पढ़ा सकता है। दोस्तों ये बोरिंग जो आज हमें लग रहा है ना, कल हमारा फ्यूचर है, कल हमें इसी के थ्रू सक्सेस मिलेगी, और हमारे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इस सरस्वती, इस विद्या माता में इतनी ताकत है, इतनी पावर है एजुकेशन में, नो वन कैन इग्नोर दिस। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स, क्या होता है, लार्ज, मीडियम, वेरी लार्ज, स्मॉल। भाई देखो, ये अगर तुम देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ऐसा कहा जाता है कि जो कार्बन की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, दो बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये क्या होती है मैं इसको बताऊंगा अगली क्लास में, कभी ये बताऊंगा जरूर मैं, लेकिन आपको ये, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। गेटिंग माई पॉइंट क्लास जी, ओके हाँ, बस हाथ खड़ा कर दिया करो, और मतलब कि इन द सेंस अपना हैंड रेस कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी चल रही होती है ना, तो हाँ ऑनलाइन ये स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलेंगे, हाँ, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन, हाँ भाई आपको भी ठीक है, गुड, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो
तो अभी याद रखो, क्योंकि अब हम क्लास नहीं ले रहे, हम आपके क्वेश्चंस करा रहे हैं भी, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। पेपर में क्या हम समझने बैठेंगे, क्लास में अच्छे से मीनिंग कब नहीं पढ़ा था। अच्छा, पेपर में बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं कि वो सोचते हैं कि यार अच्छा आयनिक बॉन्डिंग होती है, वहीं पर सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में दूसरा विद्यार्थी आगे निकल गया। अरे सोचना नहीं, सीधा आपको पता है ये समझने वाली बातें बाद में होगी, अब हम पढ़ कर आया, उस दिन हम प्रिपेयर होने चाहिए पूरे, ठीक है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज, तो स्मॉल पे टिक कर देंगे। कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसके स्मॉल साइज की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो भाई सीधे देखते समझ मारी, ये तो है नहीं हमारी, क्योंकि यहाँ दो है ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये भी नहीं है, यहाँ पे एक एन ए है, यहाँ पे भी एक एन ए, लेकिन यहाँ पे दो तीन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है, यहाँ पे दो दो सारी चीज़ें, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो ये बैलेंस है, यहाँ टू एम जी है तो यहाँ पे टू एम जी, यहाँ दो ऑक्सीजन तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, मतलब कि सम ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट के, दोनों मतलब बैलेंस्ड है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, ओके। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है 18th, 42% ऑफ एन अलॉय वाज सिल्वर, इफ इन क्वांटिटी ऑफ अलॉय देयर वाज 147 ग्राम ऑफ सिल्वर, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द अदर एलिमेंट इन द अलॉय। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, हाँ गलती से मैथ भी लिखा है, देखो ये मैथ का क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे गलती से, कि क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी के सारे मतलब कि सेक्शन क्या होता है सब में, सब मिलकर आता है, लेकिन एसएससी में इस चीज़ का एडवांटेज है, वहाँ पे सेक्शन बांट दिए जाते हैं आपके, मैथ का अलग, साइंस का अलग, मतलब मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, ठीक है, लेकिन रेलवे में सारी चीज़ मिलकर आती है, तो ये क्वेश्चन आ गया गलती से, ठीक है। तो एक अलॉय का 42% क्या है आपका, सिल्वर है। इफ इन अ क्वांटिटी ऑफ अलॉय देयर वाज 147 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो अदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी क्या होगी अलॉय में, ये भी हम आपको सॉल्व करेंगे मैथ में। चलो आपके लिए होमवर्क होंगे मैथ, क्योंकि मैथ भी तो हमें करनी है पेपर में, तो बताओ कौन करके आएगा, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा गया क्वेश्चन है भाई। 42% जो है अलॉय का सिल्वर है, टोटल कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है भाई, उसमें से भाई 42% ही हो गया, यानी कि 42 हो गया अपना सिल्वर ग्राम, मतलब 42% अपना सिल्वर हो गया, तो बताओ मतलब जो अपना बचा 58% जो बचा वो अपना क्या होगा, अदर क्वांटिटी का एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब देखो भाई 147 बराबर किसके अपना, इस 42% के तो बराबर है भैया, बताओ समझ रहे हो, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर, 147 बाई 42 मल्टीप्लाई 100, आप देखिए जो आंसर आएगा वो, और मल्टीप्लाई कर देना साथ ही साथ इसमें 58 की, आपका आंसर आ जाएगा इसका। चलिए चलिए इसको करेंगे बाद में, मैथ का क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन, ऑफ द टू बल्ब्स वन ग्लोस ब्राइटर देन द अदर, विच बल्ब हैज अ हायर रेजिस्टेंस। और देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया, अधिकतर छात्र क्या करते हैं इसको रट्टा मार लेते हैं, आगे निकल जाते हैं इस चीज़ को पढ़कर, लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी तो चीज समझो, अर्थ क्या है इसका प्रैक्टिकल, क्या है इसका प्रैक्टिकल अर्थ, इसका प्रैक्टिकल अर्थ है अपना कि यहाँ पर क्या है अपना कि दो बल्ब दे रखे आपको, एक बल्ब क्या है, मैं सपोज जब मैंने बोला कि आपके घर में दो बल्ब है, एक बल्ब तो बहुत तेज जल रहा है लेकिन एक बल्ब क्या हल्का जल रहा है, तो बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो आपका जो कम जल रहा है ना उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है भाई, अगर तेज जल रहा होता मतलब यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अपने जो इलेक्ट्रॉन से तेजी से फ्लो कर रहे हैं, यानी कि रास्ता को लगा रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए आपको ये टर्म जो रेजिस्टेंस देखिए इसको समझाओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल होता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका वी बाई आई, आई क्या होता है आपका करंट को शो करता है, वी क्या होता है वोल्टेज को शो करता है आपका, और आर क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बटे करंट। रेजिस्टेंस की असाइनमेंट क्या होती है, ओम, ओके, ओम का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी ऐसा मतलब कि आप क्या करते हो, तो रेजिस्टेंस मतलब कोई भी यहाँ पे मैंने बाधा की चीज़ लगा दी, यहाँ पे टाइट कर दिया, यहाँ से करंट धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, और एक खुला रास्ता है, तो बताओ एक बच्चा यहाँ से घूमता घूमता सारे रास्ते जा रहा है, एक बच्चा सीधे सीधे भाग गया रेस में, तो कौन जीतेगा पहले, ये जीत जाएगा इसकी ज़्यादा मतलब इसमें तेज़ी से लाइट दौड़ेगी लाइट, ठीक है, इसमें क्या धीरे धीरे आराम से आएगी, तो यहाँ पे धीरे धीरे जलेगा इस लेवल, समझो यहाँ पे बल्ब इसलिए तेज जलेगा क्योंकि इसकी लाइट पूरी सीधे पास कर पा रही है आसान रास्ते से, लेकिन यहाँ पे रास्ते में मुसीबत सी कर रखी है, यहाँ पे इतने सारे ओवल्स है, ठीक है,
तो ये क्या है अपना रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल भी इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से घुमा घुमा के ऐसे कर देते हैं कॉइल टाइप, याद रहना चीज को। और चलेंगे आगे, तो हमारे इस कहाँ से हो जाएगा डिम बल्ब। डिम मतलब कि डिम क्या होता है आपका, डिम हल्का, जो हल्का वाला बल्ब जो होगा वो उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। एन ऑब्जेक्ट, 19th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 80 किलो इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, एंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 80 किलो, वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी इतनी, देन द मोमेंटम, अब भैया मोमेंटम निकालना है ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोमेंटम मतलब कि आपको बता देता हूँ, हिंदी वाले छात्रों को बता देता हूँ, मोमेंटम होता है आपका संवेग। मोमेंटम क्या कहते हैं, मोमेंटम एक टर्म है बेसिकली, अभी के लिए शॉर्ट में तो समझ लो कि भाई हम जब पी इज इक्वल टू एम वी होता है इसका फॉर्मूला, हम पहले क्या करते थे, मास और गुणा, मास गुणा वेलोसिटी को हम कहते थे, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी को हम कहते थे, जब दो टर्म एक साथ यूज़ करेंगे तो हमारे हमारे पास दिक्कत है। अब देखो हम पी सब लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में हम सक्सेस हो जाए, सब लोग चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है कि इसलिए उन्होंने एक तरीके समझ लो ये, अब भाई कोई यूज़ नहीं करना चाहता इतने बड़े नाम को, कौन यूज़ करें मास इनटू वेलोसिटी, तो उन्होंने साइंटिस्टों ने क्या करा, इसके लिए एक छोटा नाम निकाल दिया, क्या कहते हैं उसे, अपना मोमेंटम। मोमेंटम में दोनों टर्म एक साथ इंक्लूड होगा, तो मोमेंटम बोलते हो इसके अंदर ये दोनों ही चीज़ काउंट हो रही है अपना, तो मोमेंटम यानी कि आपका संवेग, संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है, वेग को भी, वेग को अपना वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन इसको पी, इसको मोमेंटम को अपना हिंदी में संवेग कहते हैं और वेलोसिटी को अपना वेग कहते हैं। तो तुम निकाल सकते हो, हमने क्या दे रखा है, मास भी दे रखा है 80 किलो और अपने को वेलोसिटी भी दे रखी है 60, तो सॉल्व कर लो, 80 × 60 अपने पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी असाइनमेंट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किसकी, मोमेंटम की। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, संवेग का सिंबल क्या होता है, पी होता है। तो आई होप ये सब लोग तो कर सकते थे क्वेश्चन, सब लोग, बड़ी ईजी क्वेश्चन आया था। 20th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इट्स टेम्परेचर, जब आप किसी सॉलिड को, देखो आज हमने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन करे, अगर कल को आपका कोई टीचर या आपका कोई दोस्त आपसे पूछ जाता है यार वो बल्ब तेज जल रहा है, वो हल्का जल रहा है, ऐसा क्या है, रीज़न हो सकता है साइंस के इसके पीछे, तो उसकी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से वो डिम जल रहा है, कोई चीज़ ऐसी रोक रही है उसको, ठीक है, करंट पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा, समझ रहे हो आप। अब एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर हो सकता है करंट जो हो रहा है पीछे से जो फ्लो आ रहा हो करंट का वो धीमा आ रहा हो, लेकिन इस वाले पे तेज करंट आ रहा हो इसलिए उसको ज़्यादा लाइट मिल रही है, ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, बताइए क्या क्या आंसर होंगे सब लोगों के, क्या तर्क है, कमेंट में आंसर करना कि इसकी क्या तर्क हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इट्स टेम्परेचर क्या होगा, जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हो सॉलिड को, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना, डज नॉट चेंज, ना तो डिक्रीज होगा, जब भी आप किसी सॉलिड को पिघलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। कैसे सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग सोचोगे ना इसका रीज़न क्या है, तो ये भी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, क्योंकि वीडियो हो चुकी है आज बड़ी, जल्दी से ख़त्म करते हैं। 5.6 किलोवाट और किस कितने बराबर होगा अपना, अब भाई तुम्हें पता नहीं चाहिए कि 1 किलोवाट और में कितने होते हैं, है ना भाई, सब लोग सोच रहे होंगे, यही सोच रहे हो ना आप सब लोग, ये देखो यहाँ सॉल्व करके हमने दिखाया है, यहाँ पे दिखाया नहीं इन्होंने, ये कैसे काट दिया पार्ट यहाँ पे इन्होंने, हमने सॉल्व करा था स्टूडेंट्स के लिए, एक सेकंड, हाँ राहुल एक सेकंड मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर हमने लिखवाया था, शायद इन्होंने ये एडिट, हमारे जो एडिटर साहब है उनसे हो गई ये मिस्टेक, ये उनसे पूछना पड़ेगा, इन्होंने ये शायद पार्ट के छोड़ दिया, हाँ ये पार्ट छोड़ दिया इन्होंने, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, ये पार्ट कट गया यहाँ पे, इन्होंने काट दिया, ये मैं वही कह रहा हूँ, मैंने करके यहाँ पे हमने तैयार करा था ये, तो देखो दोस्तों मैं बताता हूँ क्या करना है आपको इसमें, यहाँ पे 5.6 है, यहाँ पे कर देते हैं 5.6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5.6 किलोवाट आवर को जूल में लिखो, कैसे चेंज करोगे, किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आप क्या करोगे, हम सबको पता है, पहले बता देता हूँ 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो ये आपके होते हैं, याद कर लेना, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 3.6 × 10⁶ जूल, ओके, 1 किलोवाट आवर में इतनी जूल होते हैं आपके, तो चलो सब लोग एक बार बोलेंगे और कमेंट में भी लिखना कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, आज हमने क्या देखा, 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, अब भाई अब तो सब निकाल ही सकते हैं भाई, 5.6 किलोवाट आवर में कितने हो जाएंगे,
मार्कर कहाँ गया? ये रहा, 5.6 किलोवाट में, 5.6 किलोवाट। अरे दोस्तों मैंने कहा ना सब लोग अपने फ़ोन को साइलेंट रखा करो, देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है सबको इस तरीके से, आप लोग ऐसे करोगे तो। ये देखो दोस्तों ये क्या है कि अब कुछ लोग उस कोचिंग्स में नहीं आ पाते हैं ना, तो क्या है कि आप ऑनलाइन वाले अगर पढ़ लेंगे इसमें फ्री में, तो मतलब इन द सेंस फ्री होनी चाहिए एजुकेशन के हिसाब से। और इस तरीके से अगर देखो आपकी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो टीचर जेन्युइन है कि अनजेन्युइन है, रियल है कि फेक है, वो हमें पता चल जाएगा जब हम उससे बात करेंगे, उसकी चीज़ों को सुनेंगे। तो देखो अगर आप किसी स्टूडेंट्स को मिसलीड करोगे तो कहीं ना कहीं उसको, कहीं ना कहीं आप भी कहीं डेस्परेट फील करोगे। तो सबको अच्छा कंटेंट दो और इतना ज़्यादा मत पढ़ाओ कि वो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है? तो हमारा पूरी कोशिश आपको स्टूडेंट्स सबको साथ यही है कि सब लोग सिर्फ वही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़े जो आपको यूज़फुल हो, जो आपके पेपर को क्रैक करवा सके, ठीक है? तो 5.6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है? तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आसान चल जाएगा, 25.6 मल्टीप्लाई 3.6 की मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो आपके आसान से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 20.16। और उसके बाद में 10^6 जूल बचा उसको एसिडिव लिख दो, तो अपना आंसर हो गया सी, ठीक है? नेक्स्ट पे चलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कैसा होता है भाई, कोई बताएगा फिगर कन्वेक्स मिरर की? कन्वेक्स मिरर जो होता है फूला हुआ जो होता है, मतलब कि जो बल्ज होता है, बल्ज बल्ज ये कन्वेक्स मिरर है। अंदर क्या होंगे, इसमें अपर्चर होगा, इसका अंदर अपर्चर, ठीक है? यहाँ पे आएगी इसकी ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस। आप क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, मान लो कि ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, इसका नाम है ए पी, ए बी नाम है इस ऑब्जेक्ट का, इस मिरर के सामने रख दिया, कन्वेक्स मिरर के, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये पोल होता है यहाँ पे, इसको पोल कहते हैं अपना, ठीक है? मिरर की बात हो रही है दोस्तों, लेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है? तो पोल और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगी यहाँ पे अनंत, इसके बीच में रख दिया। द इमेज फॉर्म, तो इमेज कैसी बनेगी, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वर्चुअल इमेज किस तरीके की बनेगी, समझ रहे हो? इमेज वर्चुअल और डिमिनिश बनेगी। वर्चुअल मतलब सीधी सीधी इमेज बनेगी, ऐसी सीधी, और डिमिनिश मतलब लेकिन बड़ी नहीं बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है? ये गलती हो गई, ठीक है? डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी, इससे भी छोटी बनेगी यहाँ पे, डिमिनिश बिल्कुल डिमिनिश छोटी बनेगी। वेरी डिमिनिश नहीं, मतलब छोटी बनेगी, बस छोटी, एक वेरी डिमिनिश भी होता है, ठीक है? तो ये छोटी बनेगी, ठीक है, डिमिनिश बनेगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश बनेगी, कब? जब हमारे कन्वेक्स मिरर के सामने मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, किसके बीच में, लेकिन पोल और इन्फिनिटी के बीच में, अनंत के बीच में। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड, यस बोलिए बोलिए, वर्चुअल एंड डिमिनिश बनेगी, ठीक है? चलो चलते 23 क्वेश्चन पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधा जो होता है, जैसे कॉलम्स होते हैं आपके क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं, अपवार्ड फेंका, ठीक है? कितनी वेलोसिटी से, कितनी रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अपवार्ड। 3 सेकेंड बाद क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड बाद इसकी लेंथ पूछ ली। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ को ही कहते हैं, ठीक है? तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एस पूछ रहा है तुमसे, एस एस पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही होती है एस। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी, तो आपको जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, बताओ कौन बताएगा, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, बताओ बताओ क्या करेंगे, सब लोग सोचो पहले। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, हमने बॉल को, भाई देखो आप लोग क्रिकेट खेलने गए, मैंने एक बॉल को क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन वो कितनी रफ्तार से गई, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। 3 सेकंड बाद क्या होता है, बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कौन बताएगा? तो देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो हमने लगाई ना वही सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, यहाँ से मार्कर से लिखना मुश्किल है थोड़ा सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यही लिखी है। थर्ड क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखो अभी इन्होंने बॉल फेंकी थी, ऐसी आपको भी बॉल फेंकनी है, ठीक है? तो अभी हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कराया इसको सॉल्व। तो एस हमें दे रखा है भाई, नहीं एस तो हमें निकालना है डिस्टेंस। देखो बहुत प्यारी चीज़ है कि हमें याद रखना है कि
कि आप एक चीज को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, लेकिन वो कितनी स्पीड से फेंका आपने, मैं बताता हूँ आपको, देखो ये स्पीड हो गई, आपने किस स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। तो अब 30 सेकंड बाद, मैं बोल रहा हूँ 3 सेकंड बाद वो नीचे भी आएगी, आएगी ना? यस यस सर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो देखो ये भी आंसर कर देते कभी कभार। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो उसका उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, मतलब लेंथ होगी, वो कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप निकाल लेंगे, है ना, निकाल सकते आप, है ना? हाँ निकाल सकते सर। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एस इज इक्वल टू, मतलब मोशन के सेकंड इक्वेशन को लगाएंगे? यस सर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगाएंगे, तो आपको देखेगा यू आपको दे रखा था 20। यस सर। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 3 सेकंड। ठीक है, टाइम अपने को 3 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम रख दिया, 1/2 फॉर्मूले का ये है। ए कितना दे रखा है आपको बताओ, एस्केलेशन 10 दे रखा है, लेकिन जब आपने लेकिन बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं एस्केलेशन, किस में लेते हैं? नेगेटिव में सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझदार हो गए हो आप तो सारे छात्र। ठीक है, तो जी हाँ, तो याद रखना दोस्तों, जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस समय जो हमारा त्वरण होता है, जो एस्केलेशन होता है, हम हमेशा किस में लेते हैं? नेगेटिव में। नेगेटिव में, चाहे वो हमें प्लस में दे रखा हो लेकिन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो याद रखना स्मॉल जी यानी कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका, माइनस में आता है, यानी कि -10 आपने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में टाइम तो आप दे ही रखा था, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24th क्वेश्चन, इन मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, मेंडेलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उसमें वर्टिकल कॉलम्स को किस नाम से जाना जाता था? अगर मैं आपसे पूछूं, मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल सबने पढ़ी है? यस सर। ठीक है, तो उसमें वर्टिकल कॉलम्स जो थी, वर्टिकल यानी कि वर्टिकल कैसे होती है, सीधी होती है, सीधी होती है, यस सर। ठीक है, तो उसमें आपकी जो वर्टिकल कॉलम्स थी अरे कौन खास रहा है यार, ऐसे मत खास हो यार भैया। ठीक है, तो मेंडेलीव पीरियडिक टेबल जो वर्टिकल कॉलम्स थी वो कैसे होती है आपकी, वर्टिकल कॉलम क्या होती है, ग्रुप्स में होती है। यस सर। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम क्या कहलाती है आपकी, ग्रुप्स कहलाती है, ग्रुप्स कहलाती है, क्या कहलाती है, ग्रुप सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहन आप बार बार आंसर मत करो, उनको भी कहने, सोनू को भी आंसर कहने का आंसर दो। सोनू अब आप बताना, मेंडेलीव पीरियडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाती है, ग्रुप सर। बहुत बढ़िया, तो सोनू आप भी बोला करो, ठीक है, आप भी बोलोगे तो आपको भी आएगा इससे ना। तो मेंडेलीव पीरियडिक टेबल में आप बताओ, केतन आप बताओ, मेंडेलीव पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रुप सर। बहुत बढ़िया, तो देखा केतन विनीत सारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो चलिए, तो मेंडेलीव पीरियडिक टेबल हमने जान लिया, कितनी बार रिपीट कर लिया हमने इसको, जिससे कि आपको भी याद रहेगा। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाती है हमारी, ग्रुप्स कहलाती है वर्टिकल मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल में। तो भाई वो तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स ही कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो कि आज इस वीडियो को होने वाले लास्ट दो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एलिमेंट की लोएस्ट इलेक्ट्रिकल मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, तो आपको ये बताना है। तो भाई कैसे करोगे आप? ठीक है, अब हमें देखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कैसे पहचानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसकी होगी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को देखेंगे, निकेल, एल्यूमिनियम, सिल्वर और नाइक्रोम। तो ये मैं आपको बताऊँगा कैसे चेक करते हैं। तो हमारे पास 4-5 डाउट हो गए, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर हमें निकालना है लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसकी है, कौन से एलिमेंट की, तो वो कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, ड्यू टू एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस्ड एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट, कितने मिनट का अंतराल होता है, क्या होता है हमारा वातावरणीय अपवर्तन के कारण क्या होता है। ठीक है, याद रखना वातावरण अपवर्तन के द्वारा क्या होता है, ये आपका रिफ्रैक्शन को आपका अपवर्तन ही कहते हैं शायद, हिंदी में देख लेना, हिंदी वाले शायद अपवर्तन कहते हैं शायद रिफ्रैक्शन को। तो जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय हमने देखा है पहले हो जाता है लेकिन सूर्य आता नहीं है, है ना, हम देखते हैं सुबह होती है, जब सुबह होने के बाद में कहते हैं सूरज आता नहीं लेकिन रोशनी हो जाती है ना, और ऐसे हम शाम को देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है लेकिन फिर भी थोड़े समय तक रोशनी रहती है। तो ये कितने समय के लिए ऐसा रहता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसा रहता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, साइंस में पढ़ा था ना, हाँ 2 मिनट के लिए। yes, हाँ तो आपने पढ़ा था ना, कितने मिनट के लिए रहता है ये, 2 मिनट के लिए सर। मतलब सुबह जो होगा आपकी जो रोशनी आएगी, रोशनी पहले आ जाएगी लेकिन सन कितने मिनट बाद आएगा सर, 2 मिनट बाद। ऐसी शाम को सन डूब जाएगा उसके बाद में 2 मिनट बाद, हाँ 2 मिनट बाद हमारी क्या होगी, 2 मिनट तक रोशनी रहेगी हमारी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हमारा चैनल
कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से लाइक करो और ज़रूरतमंदों में पहुँचाओ, क्योंकि यही वीडियोस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच पाती। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मोटिवेट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, और मिलेंगे एक ऐसे ही नई दिलचस्प वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।